लहू बहे तो बहे, सास चले ना चले, मेरा राष्ट्र चलना चाहिए, मेरा राष्ट्र बढ़ना चाहिए। कारगिल युद्धातील थरारक प्रसंग, युद्ध समय नजीकच्या सहकाऱ्यांना आलेले वीरमरण, डोळ्याने पाहताना स्वतःला लागलेल्या गोळ्यांच्या वेदनाही कमकुवत झालेल्या असताना केवळ देश आणि आपल्या सहकाऱ्यांची सुरक्षा जपली जावी हीच भावना ठेवून अखेरपर्यंत मां भारतीच्या संरक्षणासाठी लढा देण्याचा संकल्प केलेल्या कारगिल युद्धातील हिरो परमवीर चक्र योगेंद्र सिंग यादव यांचे उपरोक्त शब्द न शब्द थेट मनात कोरले गेले। उपस्थित प्रत्येकाचे श्वास रोखले गेले। आणि जेव्हा भारतीय जवानांनी टायगर हिलवर विजय पताका फडकविल्याची आठवण त्यांनी सांगितली, संपूर्ण परिसरात केवळ भारत माता की जय, वंदे मातरमचे जयघोष झाले। ऐसे 21 परमवीर चक्र विजेताओं की प्रतिमाएं होगी और उस प्रतिमाओं के पार्श्व में होगा वह रण क्षेत्र, जिस रण क्षेत्र पर इन रणबांकुरों ने अपने रण कौशल के माध्यम से दुश्मनों को धूल चटा दी, और वह रण क्षेत्र बनेगा सिरेमिक के चित्रांकति में, और इस दर्शनीय स्थल पर इन वीर सुपुतों की जीवनी भी लिखी होगी। सेना को समर्पित यह क्षेत्र है यह लगे, इसलिए वहां बांबू का एक ब्रिज बना हुआ होगा। सेना के वीरता के प्रतीक के रूप में वहां पर एक टैंक रखा होगा जो युद्ध भूमि पर इस्तेमाल हुआ है। सेना के शौर्य के प्रतीक में वहां पर एक हेविजर तोप रखी होगी जो सेना की वीरता का प्रतीक होगी। वहां पर एक लड़ाकू विमान रखा होगा जो सेना के शौर्य का प्रतीक होगा। सेना को समर्पित इस उद्यान में हमने इस बात का भी ध्यान रखा है कि भारतीय आजादी का प्रतीक भी यहां पर होना चाहिए। स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आणि नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या 125व्या जयंतीची औचित्य साधून महापौर दयाशंकर तिवारी यांच्या संकल्पनेतून बजेरिया येथे एम्प्रेस मॉलच्या समोरील जागेत साकारत असलेल्या भारतीय सेनेतील सर्वोच्च परमवीर चक्र पुरस्कारप्राप्त जवानांना समर्पित वंदे मातरम उद्यानाचे शुक्रवारी कारगिल युद्धातील हिरो परमवीर चक्र योगेंद्र सिंग यादव यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाले। यावेळी त्यांनी कारगिल युद्धातील थरारक प्रसंग कथन केला। वंदे मातरम उद्यानात देशातील 21 परमवीर चक्र प्राप्त जवानांचे म्युरल आणि त्यांनी योगदान दिलेल्या युद्ध प्रसंगांचे वर्णन केले जाणार आहे। कार्यक्रमाला मुख्य अतिथी म्हणून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील उपस्थित होते। महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी अध्यक्षस्थान भूषविले। प्रमुख अतिथी म्हणून आमदार सर्वश्री चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रवीण दटके, उपमहापौर मनीषा धावडे, स्थायी समितीचे सभापती प्रकाश भोयर, सत्तापक्ष नेते अविनाश ठाकरे, स्थापत्य व प्रकल्प समिती सभापती राजेंद्र सोनकुसरे, महिला व बालकल्याण समिती सभापती दिव्या दुर्डे, गांधीबाग झोन सभापती श्रद्धा पाठक, धंतुली झोन सभापती वंदना भगत, धरमपेठ झोन सभापती सुनील हिरणवार, भाजपा विदर्भ संघटन मंत्री उपेंद्र कोठेकर, माजी आमदार गिरीश व्यास, नगरसेवक ॲडव्होकेट संजयकुमार बालपांडे, नगरसेविका विद्या कनेरे, नगरसेविका सरला नायक, नगरसेविका उज्ज्वला शर्मा, उमंगचे मेजर जनरल हुडा, कर्नल भटनागर, उपायुक्त रवींद्र भेलावे, उद्यान अधीक्षक अमोल चोरपगार, गांधीबाग झोनचे सहायक आयुक्त अशोक पाटील आदी उपस्थित होते। प्रारंभी कारगिल युद्धातील हिरो परमवीर चक्र योगेंद्र सिंग यादव आणि महापौर दयाशंकर तिवारी यांची बजेरिया परिसरात रॅली काढण्यात आली। रॅलीमध्ये नागरिकांनी पुष्पवर्षाव करीत परमवीर चक्र योगेंद्र सिंग यादव यांच्या देशाच्या योगदानाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली। लहानू इंगळे यांच्या मंगलदीप बँड पार्टीतर्फे निःशुल्करित्या संपूर्ण रॅलीत संगीतमय सलामी देण्यात आली। कारगिल युद्धातील हिरो परमवीर चक्र योगेंद्र सिंग यादव यांनी कारगिल युद्धातील थरारक प्रसंग उपस्थितांच्या डोळ्यापुढे उभा केला। त्यांच्याकडून वदविला जाणारा एक एक शब्द उपस्थितांच्या अंगावर शहारे निर्माण करीत देशाप्रती आदर प्रेमाची भावना निर्माण करीत होता। क्षणाक्षणाला परिसरात केवळ देशप्रेमाच्या घोषणांनी परिसर दुमदुमून निघत चालला होता। वयाच्या 19व्या वर्षी ज्यावेळी ना सेनेचे ना वयाचे अनुभव, अशा काळात कारगिल युद्ध लढताना केवळ देशाची सुरक्षा हीच भावना ठेवून शेवटपर्यंत लढण्याचे बळ देशाच्या मातीने दिल्याचे गौरवोद्गार त्यांनी यावेळी काढले। देशाच्या सुरक्षेसाठी आपल्या प्राणाचीही पर्वा न करणाऱ्या परमवीर चक्र प्राप्त सैनिकांना समर्पित योद्धांच्या सन्मानार्थ वंदे मातरम उद्यानाची निर्मिती ही अभिनव संकल्पना असल्याचे नमूद करीत योगेंद्र सिंग यादव यांनी महापौर दयाशंकर तिवारी यांच्या संकल्पनेबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले। देशातील 21 परमवीर चक्र विजेत्या जवानांना समर्पित असलेले हे वंदे मातरम उद्यान एक पावनधाम आहे, असेही गौरवोद्गार परमवीर चक्र योगेंद्र सिंग यादव यांनी यावेळी काढले। वंदे मातरम उद्यान का
भूमि पूजन हुआ है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि शहर के महापौर ने मुझे इस भूमि पूजन में आमंत्रित किया, क्योंकि ये उन वीरों की, मां भारती के उन सपूतों की याद में ये उद्यान बनाया जा रहा है। ये उद्यान नहीं, मेरे लिए तो ये एक पावन धाम बनता जा रहा है, क्योंकि देश और सेना के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार उन वीरों की याद में है जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया और देश की हर सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए अपनी हर सांस को इस मां भारती पर कुर्बान किया है। ऐसे वीरों को, उनकी प्रतिमाओं को, उनके किए हुए कार्यों को जब हमारे युवा, हमारे यहाँ के परिवार, बुजुर्ग इस उद्यान में उनको देखेंगे तो निश्चित तौर के ऊपर उनके मन के अंदर कुछ ना कुछ एक सकारात्मक सोच जरूर पैदा होगी और वो युद्ध जो देश की ताकत है उस राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान जरूर देने के लिए उतावले होंगे और मुझे ये आशा और अपेक्षा। बजरिया परिसर हा शहरातील अत्यंत गर्दीचा परिसर म्हणून ख्याति प्राप्त आहे। या परिसरात अनेक अडथळे पार करून वंदे मातरम हे देशातील परमवीर चक्र जवानांना समर्पित उद्यानाची निर्मिती करणे ही महापौर दयाशंकर तिवारी यांची संकल्पना आणि त्यातून साकारणारे उद्यान येथील रहिवाशांसाठी प्राणवायू ठरणार आहे असे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी यावेळी केले। बजेरिया परिसरातील रहिवासी हे गर्दीच्या ठिकाणी राहतात। येथील ज्येष्ठ, चिमुकले, महिला, तरुण यांना मोकळेपणाने फिरण्यासाठी उद्यान नाही। अशा परिस्थितीत त्यांच्या परिसरात देशात अधोरेखित होणारे उद्यान साकारणे ही अत्यंत अभिमानास्पद बाब आहे। या उद्यानामुळे येथील तरुणांना देशसेवेची गोडी लागेलच, शिवाय येथील नागरिकांना फिरण्यासाठी, चिमुकल्यांना खेळण्यासाठी हक्काची जागा मिळेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला। देशासाठी प्राणाची बाजी लावणाऱ्या जवानांना समर्पित उद्यानाचे भूमिपूजन परमवीर चक्र योगेंद्र सिंग यादव यांच्या हस्ते करण्याच्या पुढाकाराबद्दल व उद्यानाच्या संकल्पनेबद्दल महापौर दयाशंकर तिवारी यांचे नामदार नितीन गडकरी यांनी अभिनंदन केले। परमवीर चक्र योगेंद्र सिंग यादव यांनी देशासाठी दिलेल्या अमूल्य योगदानाबद्दलही केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आपल्या भावना व्यक्त करीत त्यांच्या कार्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली। प्रास्ताविकात महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी वंदे मातरम उद्यानाची संकल्पना विशद केली। कार्यक्रमाचे संचालन मनपाचे जनसंपर्क अधिकारी मनीष सोनी यांनी केले। आभार नगरसेवक संजय बालपांडे यांनी मानले। आप जैसे लोगों के बदौलत हमारे देश सुरक्षित है। आपके इस समर्पण को, इस त्याग को, इस बलिदान के वृत्ति को हम जीवन भर भूल नहीं सकते और आज बहुत अच्छा हुआ कि ऐसे ही परमवीर चक्र प्राप्त यहाँ आए और यहाँ आकर उन्होंने ये जो वंदे मातरम उद्यान है जहाँ हमारे परमवीर चक्र जिनको मिला है उनके सबकी प्रतिमाएं रहने वाली है उस उद्घाटन में आज भूमि पूजन करने के लिए आए हैं। मैं बहुत बहुत हृदय से उनको धन्यवाद देता हूँ। पहाड़ी के नीचे जोजीला करके बहुत बड़ी टनेल बना रहे हैं और वहाँ -8 degrees, ये -22 degrees की बात कर रहे हैं। मैं जब था तो -8 degrees पर हम थे और जनरल वीके सिंह साहब भी मेरे साथ थे, मेरी पत्नी भी थी और जब वो उसके बाजू में ये एशिया की सबसे बड़ी टनल और इस टनल के बारे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महामार्ग है जो लद्दाख लेह को श्रीनगर से जोड़ता है और वहाँ बहुत समय जाता है, ट्रैफिक जाम होता है, इनको पता होगा। और वहीं नज़दीक से ऊपर में अमरनाथ जी का मंदिर भी वहीं से दिखाई पड़ता है और इतना कठिन है वहाँ रहना कि वहाँ काम करना ही कठिन है। और आज ऐसे लोग इस देश को बचा रहे हैं या इस देश को बचाने वाली बहुत बड़ी पीढ़ी है, उन सबको हम सबके साथ में, हम सबके सामने लाने की अब स्थिति आई है। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि देश को स्वतंत्रता भी कुछ संघर्ष न करते हुए
और कुछ लोगों को लगता है कि इस देश की सीमाओं की इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कई उदाहरण अपने इतिहास में है कि जिन्होंने भूमि गवाते वक्त कहा इस पर कुछ अनाज भी नहीं बिकता तो अपने पास रह गया, उधर से जाई गई तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसे अपने देश की मिट्टी के बारे में, भूमि के बारे में जिनका बहुत लाइट अप्रोच रहा, ऐसे स्थिति में इस प्रकार का एक उद्यान हो जिस उद्यान में अभी तक जिस 21 परमवीर चक्र मिले, ऐसे सभी समस्त करके हम अपने मन में प्रेरणा जागरूक कर सके कि देश को बचाने के लिए मेरा भी कुछ योगदान है। एक सौभाग्य की बात है कि इस 21 में से तीन जो अभी जिंदा है उनमें से एक अपने साथ में आया है। मैंने इस कार्यक्रम के निमित्त उनको पढ़ा तब ध्यान में आया कि कितना बड़ा व्यक्तिमत्व अब हमारे साथ में स्टेज पर बैठा है। आयु के 16 साल 5 महीने इस इतनी कम उम्र में घर में सेना में जाने की परंपरा होने के कारण, पिताजी सेना में 62 वॉर में लड़े, 65 वॉर में लड़े, 71 वॉर में लड़े, भाई सैन्य में, और स्वयं 16 साल 5 महीने जिस आयु में और कुछ बातें तो उन्होंने करनी है उसमें वे ज्वाइन हुए और 19वें साल में ही उनको कारगिल युद्ध में जाने का मौका मिला। कारगिल युद्ध में सबसे बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।